सर्वेक्षण में एक बार फिर इंदौर ने बाजी मारी। इंदौर ने सातवीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। वहीं इंदौर के नजदीक महू छावनी देश की 62 छावनियों में से सबसे स्वच्छ छावनी बनी है। शहर के लोग इस सफलता को अपनी सफाई के प्रति जागरूकता और शहर से लगाव का परिणाम मानते हैं। लंबे समय से इंदौर के लोगों को इस बात का यकीन भी था और इंतजार भी था। आज 11 तारीख को यह घोषणा हुई कि इंदौर ने सफाई में फिर से देश में एक बार अपना नाम, अपनी जगह, अपना मुकाम हासिल किया। हमारे साथ इंदौर के लोग ये बात करेंगे, क्या मानते हैं हम फिर से नंबर वन आए और इस बार हमने शेयर किया है सूरत के साथ। लगातार इंदौर की जो नगर निगम है और सफाई कर्मी है, स्वच्छता कर्मी है, इनकी मेहनत और जनता का मनोबल इसमें साथ में है। जनता भी उसी तरह से स्वच्छता को देख रही है। अब स्वच्छता इंदौर की आदत हो चुकी है। ठोस अपशिष्ट निस्तारण के इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा कीर्तिमान रचा है। हमारे यहाँ ठोस अपशिष्ट का बराबर निस्तारण हो रहा है। ये भी सारे फैक्टर्स जो हैं वो लगातार इंदौर को अग्रणी बना रहे हैं। इस समय हमने सूरत के साथ कंपटीशन कराया है, तो ये सच भी है कि लगातार कई समय से, मतलब पिछले 3-4 सालों से सूरत हमारे आगे पीछे आसपास ही रह रहा है, बहुत पीछे भी नहीं है। तो कोई ना कोई तो आगे आएगा। अब स्वच्छता हमारी आदत है, तो हमें ये इस मुकाम को स्टेबल करते हुए आगे दूसरे लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और इंदौर मॉडल को मध्यप्रदेश की तमाम सारी नगर निगम में, नगरी इकाइयों में लेके जाना चाहिए। तो हमारा शहर बल्कि हमारा पूरा जिला भी सफाई की ओर बहुत गंभीर हो गया है। जी बिल्कुल, जो इंदौर ने जो उपलब्धि हासिल की है पिछले लगातार 6 साल से, तो हम नंबर वन थे, इस बार सूरत के साथ हमने साझा किया है। तो सूरत ने भी, मतलब इंदौर से केवल महू ने भी इस बार कैंटोनमेंट बोर्ड में नंबर वन हासिल किया है। तो इंदौर से हम आसपास के जो छोटे शहर है वो तो वो हुए ही है, मतलब उन्होंने तो उससे सबक लिया ही है। पर जो बड़े शहर है जैसे सूरत, अब 7 साल बाद हमारे बराबरी में आया है, तो उन्होंने हमसे प्रेरणा लेके उन्होंने भी एक, उनमें भी एक आकांक्षा जागी कि नहीं, हम में भी ये कर सकते हैं। इंदौर में नवाचार की जरूरत है, इंदौर में अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए और मेहनत करने की जरूरत है। आपको लगता है कि हम फिर से 8वें नंबर पे आएंगे? और जिस तरीके सूरत या दूसरे जो शहर हैं, सूरत तो हमारे बराबर आके खड़ा हो गया। अब नवी मुंबई है, उसके अलावा वाराणसी है, इलाहाबाद है, ये भी आगे बढ़ रहे हैं। अगली बार कितनी चुनौती होगी? मैं इसको चुनौती नहीं मानता हूं, क्योंकि जिस तरह इंदौर के हर नागरिक ने इस स्वच्छता अभियान में साथ दिया है, चाहे वो घर की महिला हो, चाहे काम के काज करने वाला व्यक्ति हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी ने इसमें सहयोग दिया है। हर आदमी आज आप देखते हैं कोई भी आदमी कचरा रोड पर नहीं फेंकता है, सोचता है। तो उस तरीके से हम 8वें पायदान पर आने, 8वें साल भी हम वापस इसमें प्रथम आएंगे, और ऐसा पूर्ण विश्वास है। जो सफाई कामगार हैं, आज से कुछ सालों पहले उनको जिस नजर से देखा जाता था, उनको देखने का नजरिया भी बदला है। वही इसकी वो नींव की ईंटें हैं जिनके कारण इतना बड़ा अवार्ड हम लगातार लेके आ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि इंदौर में जिस तरह से आम जनता के बीच में एक जन जागृति है, छोटे छोटे बच्चे भी जो है टॉफी खाने के बाद रेपर फेंकने के लिए डस्टबिन ढूंढते हैं, और उसी तरह से एक इच्छा शक्ति जो होती है, वो इच्छा शक्ति अकेले जन जागृति में आम जनता में नहीं थी, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने वाले अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारी तक में भी थी, जिनमें सफाई मित्रों की काफी बड़ी भूमिका रही है। और मध्य प्रदेश ने इसमें 3 कैटेगरी में अपना हिस्सा बनाया। मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है देश का जो सबसे स्वच्छ है, इंदौर देश का पहला शहर है जो सबसे स्वच्छ है, और इंदौर की कैंटोनमेंट बोर्ड में महू का नाम भी शामिल हो गया। और इंदौर के लोगों की ये न सिर्फ आदत बन गई है, बल्कि इंदौर के नागरिक ये मानते हैं कि हम 8वीं बार भी इस मुकाम को हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ मैं इस मिश्रा, NS 24x7 इंदौर।